हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आया हूं। आज हम देखेंगे त्रिभुज तथा चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा उसके परिसीमा से संबंधित सवाल हल करें 15.3। आज हम देखेंगे 15.3 का 4 नंबर का सवाल से शुरू करेंगे। देखिए, 4 नंबर का सवाल है, पृथा ने एक समानांतर चतुर्भुज बनाया जिसकी संलग्न भुजा क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर भुजा से समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी। तो सबसे पहली बात है, एक समानांतर चतुर्भुज हम बनाएंगे और उस समानांतर चतुर्भुज के जो संलग्न भुजाएँ हैं वो कौन कौन से हैं और उसकी लंबाई क्या होगी वो हम इस चित्र के माध्यम से देखेंगे और फिर इसका हम ऊंचाई निकालेंगे जो भुजा 25 सेंटीमीटर। मान लिया जाए कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसका कि जो बड़ी भुजा है वो 25 सेंटीमीटर हम नीचे ले लेते हैं, ठीक है, इधर साइड है 15 सेंटीमीटर और एक भुजा जो दी गई है इसमें एक विकर्ण 20 सेंटीमीटर है। तो मान लिया जाए कि एसी विकर्ण जो है इसको हम 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो चलिए, ये 20 सेंटीमीटर है। किसी भी समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, उस समानांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभक्त करते हैं। अर्थात ए बी सी का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उतना ही क्षेत्रफल ए डी सी का होगा। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो इसके सूत्र से इसका ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे। ये ऊंचाई मान लिया जाए इसका ए ई ऊंचाई है, तो ए ई ऊंचाई हम उसी समय ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में संलग्न भुजा कौन कौन से हैं, संलग्न भुजाएं बी सी बराबर 25 तथा ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर और इसमें जो विकर्ण है इसका दिया हुआ विकर्ण एसी बराबर 20 सेंटीमीटर। अब चित्र के अनुसार देखिए, चित्रानुसार त्रिभुज एबीसी में पहली भुजा अगर एबी माने तो ए बी बराबर ए बराबर 15 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा अगर बी सी मानते हैं तो बी सी बराबर बी बराबर 25 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा ए सी होगा बराबर, इसको C माने बराबर 20 सेंटीमीटर। इसलिए S बराबर A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। इजकल टू A के जगह पे 15 प्लस 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। अब ये सबको जोड़ देंगे तो आएगा 60 डिवाइडेड बाय 2, काट लेंगे इसको आएगा 30 बराबर 30
ठीक है, यानी एस का मान आ गया 30। अब क्या है, त्रिभुज ए बी सी, यही है ना, ऊपर देख लिया जाए, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर। अब इसका मान बैठाते जाएंगे, 30 इंटू 30 माइनस 15 इंटू 30 माइनस 25 बी का मान, और 30 माइनस 20 सी का मान। अब इसको माइनस कर दीजिए, आएगा 15, ये आएगा 5 और ये आएगा 10। अब इसमें देखें क्या जोड़ा लगता है, 15 गुना 2 कर लेंगे इसको, 15 का 15 रहने देंगे, 5 इंटू 2 कर लेंगे इसको। अब देखिए इसमें कुछ वर्गमूल निकल के आ जाता है, 15, 2 ठो 15 आ गया, 2 ठो 5 भी आ गया और 2 ठो 2 भी आ गया, ये और ये, ठीक है, यानी इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया बराबर 15 × 75 × 2, यानी आया 75 × 2 बराबर आया 150 वर्ग सेंटीमीटर। अब अगर समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखेंगे, इसलिए समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर तो कितना होगा, 150 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 300 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये समानांतर चतुर्भुज का एरिया आ गया, समानांतर चतुर्भुज का एरिया 300 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो ये 25 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है और ये है 20 सेंटीमीटर। इसका एरिया पता हो गया, एरिया पता होने के बाद अगर हम यहाँ से इसका लंब डालें, क्योंकि कहा गया है कि 25 सेंटीमीटर जो भुजा है उसके साथ समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई कितनी होगी, तो हमें AE जो हाइट है इसको निकालना होगा। तो हाइट को निकालने के लिए हमें तो एरिया पता हो गया और समानांतर चतुर्भुज का सूत्र भी पता है, चूँकि समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ गया है 300 वर्ग सेंटीमीटर या 1, अब यहाँ पे क्या है 25, क्योंकि यहाँ पे होता है आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई, ये इसका सूत्र होता है बराबर 300। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 25 सेंटीमीटर को आधार मानकर इसका ऊंचाई निकालने के लिए, तो इसलिए आधार यहाँ पे 25 पकड़ना पड़ेगा और ऊंचाई यहाँ पे AE पकड़ना पड़ेगा। अब इसमें होगा क्या, AE का जब मान निकालेंगे तो AE बराबर हो जाएगा 300 / 25। अब इसको जब हम काटते हैं बारह पच्चे 60, यानी AE का ऊंचाई हो जाता है 12 सेंटीमीटर। अतः 25 सेंटीमीटर आधार से समानांतर चतुर्भुज ABCD की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर और यही हो गया इसका आंसर। क्लियर है।
अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, एक समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। दोनों छोटी भुजाओं की दूरी अगर 7.5 सेंटीमीटर हो तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी निकालें। सबसे पहले आप देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज जिसमें कि हम बड़ी भुजा को नीचे ही मानते हैं, बड़ी भुजा मान लिया जाए 12 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर बड़ी भुजा है तो 15 सेंटीमीटर को नीचे रखते हैं, 15 सेंटीमीटर ठीक है। और ये छोटी भुजा है, ये आपका 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर रख लेते हैं और एक समानांतर चतुर्भुज की रचना कर लेते हैं। ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज की रचना कर लेते हैं जिसमें ये 12 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर ठीक है। हमें दिया गया है कि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, तो छोटी भुजा का बीच का दूरी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, एक लंब डालना पड़ेगा ठीक है। तो यहाँ से अगर लंब डालेंगे तो इसका दूरी निकल जाएगा, तो ये मान लिया जाए कि इसमें हम लंब डाल दिया, तो ये छोटी भुजा के बीच की दूरी निकल गया। कितना है ये दिया हुआ है, छोटी भुजा के बीच की दूरी दे दिया है 7.5 सेंटीमीटर ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये 15 है तो ये भी 15 सेंटीमीटर है। समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में संलग्न भुजा कौन कौन से हैं, 15 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर। छोटी भुजा के बीच की दूरी बराबर ए बराबर कितना है, तो 7.5 सेंटीमीटर ठीक है, लिख लिया। अब देखिए इसका क्षेत्रफल हम पहले निकाल लेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, आधार गुना ऊंचाई। तो इसलिए समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, जो ऊंचाई दी गई है उसी का आधार लेना है, यानी आधार लेना है सी डी को सी डी और ऊंचाई लेना है ए। अब सी डी के जगह पे बैठा देंगे 12 और ए के जगह पे बैठा देंगे 7.5। इससे क्या हुआ, इससे हमारा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 इंटू डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे, 5 के टेबल से काट लेंगे, 5 एकम 5 25 25 2 से काट लेंगे इसको 6। अब इसको 5 से काट लिए हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 फिर 25 25 15 6 90 90 वर्ग सेंटीमीटर। अब अगर हम देखें कि ये जो समानांतर चतुर्भुज हुआ इसका एरिया हमें पता हो गया, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर बड़ी भुजा ये जो बड़ी भुजा है इसके बीच का लंबवत दूरी अगर हम निकालें तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लंब खींचना पड़ेगा, तो ये इसका क्या होगा, लंबवत दूरी होगा। जिस तरह से कि इस स्थान से इस पर लंब खींचना पड़ा तो छोटी भुजा के बीच की दूरी निकला, उसी तरह से हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसका लंब खींचना पड़ेगा। तो लंब खींचने के बाद ये छोटी भुजा के बड़ी भुजा के बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे
मान लिया जाए ए एफ एक लंब खींचे, ठीक है, तो इस बार आधार क्या पकड़ना पड़ेगा, 15 पकड़ना पड़ेगा। तो अब देखिए बड़ी भुजा के बीच की लंबवत दूरी बराबर ए एफ बराबर वाट। चूंकि समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल अभी निकल के आ गया कितना, 90 वर्ग सेंटीमीटर, या अगर हम इसका आधार गुना ऊंचाई सूत्र बैठाएं तो इस बार ऊंचाई क्या हो जाएगा और इस बार आधार क्या हो जाएगा। इस बार आधार बड़ी भुजा लेना पड़ेगा 15 और ऊंचाई AF को पकड़ना पड़ेगा, तो AF बराबर कितना हो जाएगा, 90। अब 15 इंटू AF बराबर 19 हुआ, तो AF जब निकालेंगे तो इसका मान होगा 90 डिवाइडेड बाय 15, 6 बार में कट गया, AF बराबर 6 सेंटीमीटर आता। समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के दोनों बड़ी भुजा के बीच की लंबवत दूरी बराबर 6 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आता हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।